चलिए अभी 1-2-1-4 एडिशन कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा और एक्सटेंशन है। 1-2-1-4 एडिशन अपन ने देख लिया है ना, इट इज टीसीपी एंड केसीपी, दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप जैसे हमको क्वेश्चन में ये कैसे समझ में आएगा कि कहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है? तो जैसे कौन सी चीज में बोलते हैं कि रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बन रहे हों और वो रिएक्शन कंडीशंस में यदि इंटरकन्वर्टेबल हों, तो तब हमेशा लो टेम्परेचर वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, विल बी केसीपी, और हाई टेम्परेचर वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, विल बी टीसीपी। समझ आती बात है? क्या बोले अपन ने कि जब कभी भी है, मतलब कॉन्जुगेटेड आयन के अलावा वाली बात कर रहे हैं अपन, है ना, कि जब कभी भी किसी रिएक्शन में कौन सी चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बन रहे थे और वो रिएक्शन कंडीशंस में ही क्या थे, देवर इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है, और टेम्परेचर वेरिएशन से उनकी यील्ड में अंतर आ रहा हो, तो लो टेम्परेचर वाला प्रोडक्ट हमेशा केसीपी होगा और हाई टेम्परेचर वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, दैट इज टीसीपी। समझ आई बात ही? तो ये कॉन्सेप्ट हम मन से नहीं लगा सकते ना, बट क्या हो जाएगा, एग्जामिनर ऑल्सो अंडरस्टैंड द सेम, कि भाई बच्चों को मन से वाली चीज समझ में नहीं आएगी। तो कौन सी चीज होगी कि जब कभी भी दो प्रोडक्ट्स बन रहे हो वो अपन देख सकते हैं, और उसमें फिर वो टेम्परेचर का वेरिएशन देंगे, ठीक है ना, तो उसमें लो टेम्परेचर प्रोडक्ट हमेशा क्या बनाएंगे अपन, केसीपी, और हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट हमेशा क्या बनाएंगे अपन, दैट इज टीसीपी। समझ आ गई बात ये, है ना? फिर अगली चीज कौन सी, यही वाला जो कॉन्सेप्ट है और कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है वो हम देखें। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कोई दो रिएक्टेंट्स थे ए और बी, ठीक है, इनको हमने क्या ले लिया, दैट इज 1:1 ले लिया, और सी भी क्या ले लिया अपने, दैट अगेन इज 1 मोल। अब ए को भी पूरा 1 मोल लगता था सी का रिएक्शन करने के लिए, और बी को भी क्या लगता था, पूरा 1 मोल लगता था सी का रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, सी लेकिन 1 मोल ले लिया है हमने, इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आ गई बात ये, इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, हमने बोला सी हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। आई बात समझ में, ठीक है? अब कौन सी वाली चीज होगी, हम क्या बोलते हैं इसमें कि ए जो है उसकी रिएक्टिविटी सी से ज्यादा थी, लेकिन ए का सी के साथ बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो कैसा था, कम स्टेबल था। समझ आ गई बात, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ठीक है, तो क्या करता है वो सी को शुरुआत में ज्यादा कंज्यूम कर लेता है, ठीक है ना, ए की सी से रिएक्टिविटी ज्यादा है और बी की सी से रिएक्टिविटी कम है, तो ऐसे में क्या होगा, हम बोलेंगे शुरुआत में ए जो है वो क्या कर लेगा, सी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर लेता है ना प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। बट कौन सी चीज थी, एसी प्रोडक्ट जो बना था वो था कैसा, लेसर स्टेबल, तो वो बन तो जल्दी जाता है लेकिन बनने के बाद वो अपने आप को बनाए ज्यादा देर नहीं रख पाता। समझ आ गई बात ये, तो इस वजह से क्या वो बना और बनकर टूटा। बी ने सी को शुरुआत में कम कंज्यूम किया था, है ना, बी ने सी को शुरुआत में कम कंज्यूम किया था, बट क्या था, जितना पकड़ा था उतना छोड़ा ही नहीं था, मतलब ये जो बी सी प्रोडक्ट था ये था कि सर ज्यादा स्टेबल था। आई के बाद समझ में, तो तब इस वाले केस में हम क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द रिएक्शन था दैट वॉज अंडर काइनेटिक कंट्रोल, मतलब शुरुआत में हमको वो प्रोडक्ट ज्यादा दिख रहा है जो क्या था, ज्यादा जल्दी जल्दी बनता था, ठीक है। तो इस वाले केसेस में हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द रिएक्शन दैट वाज अंडर काइनेटिक कंट्रोल, और एसी जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज केसीपी, दैट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। समझ आ गया? अब बीसी जो था इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या था, कम, लेकिन क्या था, बनता है तो बनकर बना रह जाता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एसी शुरू में जल्दी जल्दी बन तो गया बट फिर वो टूटने भी लगा, वो टूटने लगा तो सी किसके लिए अवेलेबल होने लगा, दैट इज फॉर बी एज वेल, ठीक है, बी सी ज्यादा स्टेबल था, तो क्या बोला हमने, सी जब ए से फ्री हुआ तो बी की भी उससे रिएक्शन होने लगी, और बी की उससे जब रिएक्शन होने लगी तो क्या हो गया, बी सी धीरे धीरे बनने लगा, और क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ ऑफ द रिएक्शन में बी सी का प्रपोर्शन ए सी से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सी को एक बार पकड़ने के बाद फिर वो छोड़ता नहीं था, क्योंकि वो क्या था, ज्यादा स्टेबल था। समझ आ गई बात है? तो हम बोलेंगे जो सेकेंड हाफ ऑफ द रिएक्शन है वो किस में है, तो हम बोलते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द रिएक्शन इज अंडर थर्मोडाइनेमिक कंट्रोल। आगे बात समझ में, मतलब यहाँ पर भी इस टाइप के केसेस में भी क्या होता है, केसीपी एंड टीसीपी इनका कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। समझ आ गई बात ये? तो
तो ये तो थ्योरेटिकल कंसिडरेशन थे, अब इसको अपन क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन पर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दिस इज व्हाट डाई कॉन्जुगेटेड डाई इन, ठीक है, बट अलग टाइप की है, सब्सटीट्यूटेड इस बारे, ठीक है, कंपाउंड के दैट इज आइसोप्रीन है। अब इस पर एच बी आर वन इक्विवेलेंट, इसके रिएक्शन अपन करवा रहे हैं, दैट इज एट माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर, तो कौन सी चीज होगी, हम बोलते हैं माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, हम बोलते हैं माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर केसीपी बनता है। अब यहाँ पर रिएक्शन की शुरुआत, अब दोनों डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं थे, कहाँ से होगी, यहाँ से, ठीक है ना। अब रिएक्शन की शुरुआत यदि यहाँ से हो रही है तो वन टू एडिशन प्रोडक्ट यही बनेगा, तो हम बी आर को कहाँ दिखाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट में, यहाँ एच यहाँ जुड़ गया और बी आर यहाँ, ये कौन सा प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, केसीपी था, समझ आ गई बात। ये रिएक्शन यहाँ से क्यों शुरू हुई समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा था, दैट वॉज 3 डिग्री कार्बो कटायन विच इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, आई बात समझ में। अब अगला वाला क्वेश्चन जो है, सेम रिएक्टेंट लिया ना हमने, फिर से आइसोप्रीन ही लिया, इस पर एच बी आर के रिएक्शन वन इक्विवेलेंट, लेकिन कैसा इस बार, नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब क्या बनाने, दैट इज टी सी पी। तो क्या होगा, तो हमने बोला कैटाइन तो यहाँ बनेगा, मैकेनिज्म देख चुके ना, मैकेनिज्म बार बार नहीं लिखेंगे अपन, कैटाइन यहाँ बना, रेजोनेंस से पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ना, रेजोनेंस से पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गया, कैटाइन। डबल बॉन्ड जब यहाँ आया तो क्या था, दैट वाज इन मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो क्या हो जाएगा, जो टी सी पी बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ये बन जाता है ना इसी रिएक्शन में, समझ आ गई बात। ही यहाँ क्या बन गया, तो दैट इज टी सी पी, क्लियर बात अच्छे से। फिर इसके बाद अगला वाला जो केस है, इसमें हमको कॉन्जुगेटेड ट्राइईन दे दी बजाय कॉन्जुगेटेड डाईईन के, बट घबराने की कोई बात नहीं, नॉर्मली ये भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन की शुरुआत यहाँ से करवाई हमने, फिर क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे रिएक्शन वहां से शुरू होने के बाद यहाँ कैटाइन बना, फिर पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ, फिर दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, दैट इज बी आर, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट वी कॉल दैट 1,6 एडिशन, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1,6 एडिशन पैरेलल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ 1,4 एडिशन, क्योंकि 1,6 एडिशन में क्या होगा, इन दोनों डबल बॉन्ड्स दे विल स्टिल बी इन रेजोनेंस, तो क्या हो जाएगा, दैट इज थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, समझ आ गई बात ये, है ना। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड ट्राईईन है, तो भी हमको बेसिक्स पर ही स्टिक रहना है, उससे हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा, क्लियर होगी बात ये, है ना। अब इसके बाद जैसे रिएजेंट बदला अपन अभी तक एच बी आर कर रहे थे, अब क्या किया अपने, दैट इज बी आर टू, ठीक है। अब बी आर टू वन इक्विवेलेंट लिया हमने, अब हमारे मन में क्या क्वेश्चन आएगा, ब्रोमीन के साथ तो नॉन क्लासिकल कार्बो कैटायन बनता है, तो भी 1,4 एडिशन की बात करें क्या, हम तो हम बोलेंगे हाँ अभी भी करना पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बो कैटायन, तो यहाँ पर कार्बन पर कौन सा कैरेक्टर तो रहेगी, कार्बो कैटायन कैरेक्टर तो होते ही। अब क्या हो जाएगा, दूसरा बी आर जो होता है, नहीं 1,2 एडिशन था तो क्या हो जाएगा, दूसरा बी आर यहीं अटैक कर देगा, समझता है, बट टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल, मतलब हमको क्या बनाना था, टी सी पी, तो हम दूसरे बी आर को यहाँ से भेजते हैं, बी आर निगेटिव यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये निगेटिव आया, ये निगेटिव यहाँ अटैक करके क्या करवा देगा, इस रिंग को खुलवा देता है, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, हम बोलेंगे यहाँ भी क्या होगा, दैट 1,4 एडिशन ही, यहाँ भी क्या होगा, हम बोलेंगे 1,4 एडिशन होता है, समझ आ गई बात ये, तो कौन सी चीज है, बी आर टू के केस में 1,4 एडिशन होगा, तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, बट नॉर्मल टेम्परेचर है तो 1,4, लो टेम्परेचर है तो 1,2 हमको करवाना ही है, क्लियर होगी बात ये। अब वैसे ये हाइड्रोजन का प्लेटिनम के साथ 1 इक्विवेलेंट वाला है, तो कौन सी वाली चीज होगी, फिर से टेम्परेचर नॉर्मल दिया है, मतलब हमको टी सी पी बनाना है, तो कौन सी चीज करनी है हमको, सिंपली ये एल्कीन में क्या रहेगा, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ज्यादा स्टेबल है, तो एक हाइड्रोजन कहाँ पर, एटम नंबर 1 पर, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ, एटम नंबर 4 पर, समझ आ गई बात ये। तो ये क्या था, दिस वॉज रेडिकल रिएक्शन,
यहाँ पर भी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वन फोर एडिशन इज एप्लीकेबल। समझ आ गया कि बेटा बात अच्छे से ये है ना, हम कौन सी चीज बोलेंगे वन टू वन फोर एडिशन, इनका कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाने समझ आ जाएगा। वो बाकी जहाँ हमको मन से समझ में नहीं आता वहाँ पर हमको क्वेश्चन में हिंट ऐसी दी हुई रहेगी जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमको TCP या TCP ये वाला फंडामेंटल अप्लाई करना है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से है ना। चलिए